हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 55 एंड द डेट इज 19th November 2020। योर क्लास इज 9th। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज आप जब अपनी नोटबुक में होमवर्क करेंगे तो एज इट इज आपको हेडिंग डालनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में क्या करना है आपको, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको अटैम्प्ट करना है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपकी पोएम नो मैन आर फॉरेन, जो कि आपकी बिहाई बुक में आपको पढ़ने को मिलेगी, उससे लिया गया है। तो पहले कुछ नो मैन आर फॉरेन के बारे में हम बात करते हैं। फॉरेन मीन्स अ पर्सन हु इज फ्रॉम अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करता, हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री। तो इसमें पोइट इस आइडिया को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के आइडिया को, परस्पेक्टिव को ये प्रमोट करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, कोई भी व्यक्ति दूसरी कंट्री का नहीं है, सभी एक जैसे हैं और सभी एक जैसा खाना खाते हैं, एक ही तरीके से वो जीते हैं। और ऐसा बोलकर वो बोलना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, सभी एक हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये परस्पेक्टिव, ये आइडिया वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ डेट वी शेल डिस्पोज बिट्रे कंडेम। लेट अस रिमेंबर, ये याद रखना, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से हेट करने के लिए, घृणा करने के लिए, इट इज आवर सेल्फ, हम खुद, डेट वी शेल डिस्पोज का मतलब होता है डिसलोज, डिप्राइव, किसी चीज को किसी से वंचित करना, बिट्रे का मतलब होता है एक्सपोज समवन और समथिंग टू डेंजर, किसी व्यक्ति या किसी चीज को डेंजर के खिलाफ एक्सपोज करना, उसको उसके सामने लेकर आना। आप एक इसको ये भी बोल सकते हो कि धोखा देना। कंडेम का मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, मींस कंप्लीट डिसअप्रूव, किसी की निंदा करना। तो इसमें पोइट ये तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोलना चाहता है कि जब भी आप किसी के द्वारा आपको बोला जाएगा कि अपने भाइयों से आप हेट करें, तो उसमें अगर आप उनसे हेट करेंगे तो आप उनसे नहीं, आप खुद को डिस्पोज करेंगे, आप वंचित रखेंगे उनके प्यार से, बिट्रे खुद को धोखा देंगे, और कंडेम खुद की ही निंदा करेंगे। और क्योंकि आप दूसरों की निंदा करोगे तो वो आपके वापस आपके पास आएगी, आप खुद की ही निंदा ऐसे करोगे। आगे पढ़ते हैं, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल। डिफाइल मीन्स टू पोल्यूट और टू मेक डर्टी, किसी चीज़ को पोल्यूट कर देना, अशुद्ध कर देना, किसी चीज़ को गंदा बना देना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, याद रखना, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम आपस अपने आप के खिलाफ, आपस के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ जब हम आर्म्स उठाएंगे, आर्म्स मीन्स डिस्ट्रक्टिव वेपन्स लाइक गन्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स एटसेट्रा, जब ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हम अपने भाइयों के खिलाफ उठाएंगे, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल, ये हमारी मानव अर्थ, हमारी धरती माता को ही हम डिफाइल, पोल्यूट करेंगे, गंदा करेंगे। क्योंकि जब हम ये आर्म्स वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी व्यक्ति मारे भी जाएंगे और उनके रक्त से, उनके ब्लड से और उनके जो बॉडियों से हमारी अर्थ क्या होगी, डिफाइल, प्रदूषित और दूषित, अशुद्ध हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं हम, आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर डेट इज एवरीवेयर अराउंड, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। जो आर्म्स हम यूज करेंगे और उससे जो आग और जो डस्ट फैलेगी, उससे हम आउटरेज मीन्स टू वॉयलेट, डू नॉट कंप्लाई, हम उल्लंघन करेंगे इनोसेंस, बेगुनाही का, या उन बेगुनाह व्यक्तियों का जिसको हम मार देंगे। मीन्स आउटरेज द इनोसेंस का अगर पूरा का इस फ्रेज का मतलब होगा, टू वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ, और उस कौन सी प्योरिटी को आप वॉयलेट करोगे, ऑफ एयर,
डेट इज एवरीवेयर ऑन। उस हवा को आप प्रदूषित करोगे, उस हवा की प्योरिटी को आप खत्म करोगे जो कि हर जगह अपनी ही है। और याद रखें, लास्ट में बोलने चाहते हैं कवि, पोइट बोलते हैं, रिमेम्बर, इम्फेसिस देते हैं, पूरा जोर देते हैं कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री हमसे अलग नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, विचित्र नहीं है। तो इस यहाँ से, इस स्टेंजा से हम जेम्स क्रिकअप जो हमें बताना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो पर्सपेक्टिव, जो आइडिया हमें बताना चाहते हैं, आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजिस डज नॉट रेफर टू, कि जो वर्ड है डिस्पोजिस वो इनमें से किसके लिए रेफर नहीं करता है, किसके किसके सिमिलर वर्ड नहीं है। तो डिप्राइव तो आपने ऊपर पढ़ा था, वंचित करना। स्ट्रिप का मतलब भी होता है कि रिमूव ऑल द कवरिंग्स फ्रॉम, कि सारी कवरिंग्स को रिमूव कर देना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रोब का मतलब भी होता है लूटना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गेन, गेन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि डिस्पोज का एंटोनियम गेन होता है। डिस्पोज का मतलब हम कोई ना कोई चीज लूज कर रहे हैं, लेकिन गेन का मतलब कोई ना कोई चीज हम पा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द पोइट सेज डेट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल डैश। पोइट कहते हैं कि हम अपने आपस के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ अगर हम आर्म्स उठाएंगे तो हम क्या करेंगे। विन द वॉर्स, बिल्कुल नहीं। फेलिसिटेट, फेलिसिटेट का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, खुद को बधाई देंगे, तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और टेंट आवर लैंड, टेंट का मतलब होता है कलंक, ब्लेमिश, धब्बा लगाना, अपनी जमीन पर ही हम कलंक लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट पढ़ के आपको बता देता हूँ कि अडोर्न, अडोर्न का मतलब होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, और ऐसा करके हम अपनी जो लैंड है, धरती माता है, उसको हम और सुंदर तो नहीं बनाएंगे। तो आंसर 3 हो जाएगा, टेंट आवर लैंड। द पोइट सेज डेट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल टेंट आवर लैंड। थर्ड क्वेश्चन है, द पोइट डजंट वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश थ्रू द पोएम। तो पीस, शांति का तो वो बोलते हैं, लव बोलते हैं, ब्रदरहुड भाईचारे का ही बोलते, तो हेट्रेड, घृणा का जो मैसेज है वो बिल्कुल वो पहुंचाना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द गिवन अबो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया गया है। तो पहले इन चारों को आपको समझना होगा ये क्या होते हैं, और उसके बाद फिर आप आंसर अपने आप ही ढूंढ लेंगे। तो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ, उसको हम बोलते हैं सिमली, क्या बोलते हैं सिमली, जिसको आप हिंदी में उपमा अलंकार भी बोलते हो। आप जरूर इसकी जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो अपनी नोटबुक में भी जरूर लिखें। तो इसमें सिमली हो जाएगा, अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूज टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक और विविड। एक फिगर ऑफ स्पीच होगा जिसमें एक व्यक्ति का या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, दूसरी अलग वस्तु से उसका कंपेरिजन किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा कि उसके बारे में जो हम डिस्क्रिप्शन, जो विवरण दे रहे, उसको इम्फेटिक और विविड, और ज़्यादा अच्छा जोरदार बनाकर उसको प्रस्तुत करें, और विविड, बिल्कुल प्रज्वलित, मतलब उसके बारे में हम अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। तो इसका आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सचिन इज एज ब्रेव एज अ लाइन, सचिन इज एज ब्रेव एज अ लाइन। इसमें बताया कि सचिन लाइन जितना बहादुर है, तो ये एज ब्रेव एज जो हमने यूज किया है, यही क्या है, ये है सिमली, क्योंकि सचिन को हमने किससे कंपेयरिंग किया है, लाइन से, और उसको, उसकी बहादुरता को दिखाने के लिए, उसकी बहादुरी दिखाने के लिए हमने ऐसे यूज किया है। सेकंड क्या है, एंजेबमेंट, एंजेबमेंट क्या होता है, द सेम सेंटेंस इज रनिंग विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स, कि एक सेंटेंस बगैर किसी पंक्चुएशन मार्क्स के कंटिन्यू रहे, जैसे कि इस आप स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, ये सेंटेंस यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है,
और यहाँ पर ये कंटिन्यू रहता है। जैसे यहाँ पर भी रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, और यहाँ पर फिर कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर भी आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, एंजेबमेंट। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम लास्ट के जो सी और डी ऑप्शन है इसको भी एक बार समझते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का आपको आपने काफ़ी बार पढ़ा है। एलिट्रेशन को आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हो, और ये इसका क्या मतलब है, द रिपीटिटिव यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एज द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स, कि कॉन्सोनेंट साउंड का यूज होना, रिपीटिशन होना किसी दो या दो से ज़्यादा लगातार शब्दों में। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप जब अपनी पोएम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट, तो आप इसमें से एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो जहाँ पर ये बॉडी और ब्रीथ्स, कॉन्सोनेंट दो वर्ड्स इकट्ठे यूज किए गए हैं, और उनकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, बॉडी ब और ब्रीथ्स ब की। तो इसीलिए जो बॉडी और ब्रीथ्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिट्रेशन का इनमें हमने यूज किया है। राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम, कि ऐसा पैटर्न राइम बनाना, लय बनाना, कि उससे जब हम पोएम को बोलें तो वो एक लयबद्ध तरीके से बोली जाए। इसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, आई एम आउट ऑफ माई हेड विथ थिंकिंग ऑफ यू। तो यहाँ पर देखिए, जो रोजेज आर रेड है और आई एम आउट ऑफ हेड है, रेड और हेड ये राइम कर रहे हैं, इनकी जो लास्ट की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है, और ये ब्लू और यू, ब्लू और यू ये भी बिल्कुल राइम कर रहे हैं। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी, जो राइम स्कीम बन जाएगी, ए बी, ये भी मैंने आपको बता दिया है, और इसका आंसर आपको मिल गया था, एंजेबमेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट स्टेंजा ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, नो मैन आर फॉरिन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज इंटेंड्स टू टेल अस डेट, हमें क्या बताना चाहते हैं, वी ऑल वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, नो, वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स फॉर ईच अदर, नो, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बताना चाहते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोइए, और COVID-19 से अपने आप को बचाए रखें। यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है, एंड आपको अगर जो दूसरी वीडियोस देखनी, अपनी लास्ट पिछली वर्कशीट की वीडियो देखनी, देन यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक्स गिवन बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।